तो उसके बाद ये मैगजीन बाहर आ जाएगी। ये CO2 सिलेंडर है आपका, ये CO2 सिलेंडर आपने इसके अंदर डाल देना है। ये बहुत ही बेहतरीन फिनिश में है। हेलो गाइस, वेलकम टू अमन एयरगन इंडिया। जो एयर राइफल आप लेते हैं, एयर राइफल में आपको या तो बोल्ट एक्शन एयर राइफल मिलती है और या फिर ब्रेक बैरल एयर राइफल मिलती है। ब्रेक बैरल का मतलब है आप उसको तोड़ेंगे, एक छड़ा डालेंगे और उसको बंद कर देंगे। बोल्ट एक्शन का मतलब है कि आप उसको कॉक करेंगे, फिर उसमें मैगजीन डली होगी 5 शॉट की, 10 शॉट की, 12 शॉट की, डिपेंड करता है कौन सा मॉडल ले रहे हैं। और हर बार आप उसको कॉक करेंगे, जितनी बार आपने एयर राइफल को फायर करना है उतनी बार आपको लोड करके चलानी पड़ेगी। तो हम आपकी ये दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आए हैं अमन एयरगन इंडिया पे। मैं आपको आज इंपोर्टेड में एयर राइफल दिखाना चाहता हूं। ये क्रॉसमैन की एयर राइफल है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन 0.177 पैलेट एयर राइफल है। क्रॉसमैन कंपनी अपने आप में बहुत ही ज्यादा पेटेंटेड, बहुत ही ज्यादा बढ़िया ब्रांड है। उसके साथ साथ इसका मॉडल नंबर है 1077। इसमें आपकी जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं या जितनी आपके हैजलमेंट्स हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। वो कैसे? ये एयर राइफल CO2 बेस्ड एयर राइफल है। ये जो एयर राइफल है, ये एयर राइफल बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में फायर करती है। 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर, ये CO2 सिलेंडर आपको जितने चाहिए उतने आप खरीद सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल 200-250 रुपए के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। तो ये 200-250 रुपए का सिलेंडर इसमें चलाने के बाद 40 से 50 शॉट फायर कर देता है, तो आपकी रनिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो जाती है, एक हैजलमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है कि आपको इतना बड़ा पंप या स्कूबा टैंक या कंप्रेसर कहीं लेके जाना है, फिर इसको भरना है, फिर खत्म हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। ये आप 1, 10, 20, 100 जितने आप सिलेंडर चाहें अपने साथ कहीं भी जाना चाहें कैरी कर लीजिए, एयर राइफल कैरी कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करिए और एंजॉय करिए। इसके फीचर्स हम आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी बात, सेमी ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक मतलब आप जितनी बार ट्रिगर दबाते प्रेस करते रहेंगे उतनी बार ये चलती रहेगी, ये ट्रिगर दबाते रहेंगे हम ये फायर करती रहेगी। इसकी मैगजीन सिस्टम है, ये बटन है, एक बटन यहाँ पे है, एक बटन दूसरी साइड पे है। ये हम दोनों बटन अगर दबाएंगे तो उसके बाद ये मैगजीन बाहर आ जाएगी। ये ड्रॉप आउट मैगजीन है। ड्रॉप आउट मैगजीन के बाद इसके अंदर ये एक छोटी सी पिन है, इस पिन को हम पीछे करेंगे तो ये इसकी रोटरी मैगजीन बाहर आ जाएगी। आप देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इसमें टोटल 12 शॉर्ट पैलेट्स हैं। जी हाँ, और जैसा आप पैलेट्स डालना चाहते हैं, जिस क्वालिटी का, जिस शेप का, जिस ग्रेन का, जैसा आप पैलेट डालना चाहते हैं वो पैलेट इसमें आप डाल के चला सकते हैं। उसके बाद हमने इसको मैगजीन को बंद कर दिया, उसके बाद मैगजीन को लॉक कर दिया ताकि ये अब गिरेगी नहीं। तो ये ऑटोमेटिक, जितनी बार हम ट्रिगर पुल करते हैं ये ऑटोमेटिक रोटेट होके और छर्रे लेती रहती है। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसके अंदर साइड्स हैं, इसके अंदर बैक साइड है, इसके अंदर फोर साइड है, इल्यूजन है। अगर आप कहीं रात को इसको चला के देख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या फन कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। ये M1 कार्बाइन आती है, M1 कार्बाइन रियल 30 बोर की राइफल आती है। इसकी शेप एग्जैक्टली उसी के साथ मिलती है। इसको हम आपको लोड भी करके दिखा देते हैं कि ये कैसे लोड होती है। बहुत ही आराम से रोटेट हो जाता है। ये रोटेट होने के बाद ये इसके अंदर पिन होती है। ये CO2 सिलेंडर है आपका, ये CO2 सिलेंडर आपने इसके अंदर डाल देना है। ये इसको पुश करता है, पीछे से हेल्प करता है सील ब्रेक करने के लिए, और आपने इसको लोड कर दिया। बस इसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना, जहां तक आपका इजीली टाइट हो जाए वहां तक आपने टाइट करना है। उसके बाद अगर आप इसको कॉइन्स चाहें तो कॉइन डाल के और वैसे भी खोल सकते हैं, बहुत ही इजी फंक्शंस हैं। अभी ये खाली है, हम आपको एक बार इसको चला के दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रेशर आ रहा है इसके अंदर। ये क्रॉसमैन 1077 सेमी ऑटोमेटिक एयर राइफल सारे फीचर्स के साथ, लॉकिंग सिस्टम के साथ। इसमें लॉकिंग सिस्टम भी है, यहाँ पे ये आप प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगी। अब आपने फायर करना है तो उसको अनलॉक करना है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ग्रैब करिए डील, ओनली एट अमन एयरगन इंडिया। अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हैं तो हमारे को नीचे व्हाट्सएप करिए। हमारे पास सारी तरह की वैरायटी अवेलेबल है। इस एयर राइफल को खरीदने के लिए बहुत लिमिटेड स्टॉक है, आप फटाफट से आ जाइए अमन एयरगन इंडिया पे। और इसी के साथ हम आपको एक एयर पिस्टल भी दिखाएंगे। ये है SNR 357। ये पहले स्टॉक से खत्म हो गया था, अभी ये दोबारा स्टॉक में आ गया है। 495 फीट पर सेकेंड की पावर है। जी हाँ, 495 फीट पर सेकेंड की पावर है। इसमें पैलेट भी चलता है, इसमें बॉल्स भी चलती हैं। और इसकी अगर आप फिनिश की बात करें तो ये
बिल्कुल रियलिस्टिक रिवॉल्वर लगता है। अगर मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है तो कोई ये देख के नहीं बता सकता कि ये एयर पिस्टल है या ये रियल रिवॉल्वर है, क्योंकि इसकी जो शेल्स हैं वो भी आपको यहां से दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फिनिश में हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं। इसको ओपनिंग इसकी ऐसे होती है, इस बटन को हम आगे प्रेस करेंगे और साइड से इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन फिनिश में है, आप देखिए कितना स्मूथ है, ये कितना स्मूथली चल रहा है। ये देखिए इसके अंदर शेल्स हैं, ये शेल्स के आगे इसमें बॉल्स लगती है, स्टील बॉल्स। स्टील बॉल्स का मतलब ये वाली स्टील बॉल्स इसके आगे लगती है। और अगर आप पैलेट चलाना चाहते हैं तो ये कंपनी आपको 6 पैलेट्स के भी शेल्स देती है, इसमें आप पैलेट चला सकते हैं जो कि पीछे से लोड होंगे। जी हाँ, इसके अंदर 6 BBs के शेल मिलेंगे, 6 पैलेट्स के शेल मिलेंगे। और इसका जो CO2 सिलेंडर है वो ग्रिप के अंदर लगेगा, जो कि हिडन रहेगा, आपको दिखेगा नहीं। और जब ये हिडन रहेगा तो आप इसको इजीली लोड करके और इसको छुपा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर रियल वाला रिवॉल्वर की फील देगा। इसका साइज, इसका वेट ऑलमोस्ट वैसा ही रियलिस्टिक है जैसे कि अगर आप रियल वेपन्स कैरी करते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि इन एयर पिस्टल्स और एयर राइफल्स के लिए आपको लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोई भी ले सकता है। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो भी ये ले सकता है, उन्होंने अपना एक आईडी प्रूफ हमारे को देना है और ये आके यहां से ले जाना है। अगर आप यहां से नहीं आके ले सकते हैं, अगर आप कोरियर कराना चाहते हैं तो कोरियर भी हो जाएगा। हमारी वेबसाइट है www.amanairgunindia.com। जी हाँ, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि जो भी अपनी सेल्फ डिफेंस में, शूटिंग प्रैक्टिस में, अपने बच्चों को, किसी को भी अगर शूटिंग टारगेट प्रैक्टिस में, कॉम्पिटिशन में डालना चाहते हैं तो ये बेसिक मॉडल्स हैं जिससे आप एमिंग प्रैक्टिस करके और उनको आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही हमारी वीडियोज को प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोज को लाइक करिए और आगे से आगे शेयर करिए। थैंक यू।